हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ससिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ससिर की पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, आपको पता है कि जैसा मैंने बताया था आपको कि रोस्टर जो आपका क्लियर होके फाइनली अपलोड हो गया, जो कि अपलोड होना था पहले ही लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। अब ये फाइनल रोस्टर का मतलब क्या है कि भाई इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, ओपन वैकेंसीज कितनी हैं, ये कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। किसके किसके दी गई हैं? 1 to 5 वालों का और 6 to 8 वालों का। क्या 6 to 8 वालों का कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। तो नोटिफिकेशन में आइए देखते हैं और कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट जारी किया कर दिया जाएगा। तो भाई, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों के, ये तो सारी चीज़ें 7/2024 एवं 23/2024 को ये जो विज्ञापन वगैरह जारी किया गया था उसको लेके है, उसको छोड़िए। ठीक, बाकी आपको बता दूँ मोटा मोटा, तो आपका जो प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक में कुल लगभग 25,500 पद और मध्य विद्यालय 6 to 8 में लगभग 18,973 पदों पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 1 से 5 कुल 210 पदों तथा वर्ग 6 से 10 तक कुल 126 पदों को संशोधित कोटिवार विस्तृत विवरण निम्नवत है। मतलब देखिए, सीधी सी बात समझिए, जो भाई शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक में 25,500 पद और वहीं बात करें 6 to 8 में 18,973 पद, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 तक में कितने टोटल 210 पद हैं और वर्ग 6 से 10 में कुल 126 पद हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, कितनी रोस्टर हैं, कितने नंबर ऑफ रोस्टर्स क्लियर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अपना विषय देख सकते हैं, सामान्य में, उर्दू में, बांग्ला में, बाकी ये सारी चीज़ें हैं भाई, अपने कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप 6 to 8 में देख सकते हैं, ये आपका 6 to 8 तक के विद्यालय जो है 18,973 पद, देखिए कुछ पद कम हुए हैं। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और इसमें संशोधन हुआ है और कुछ पद कम हुए हैं। गणित और विज्ञान की बात करें तो टोटल की बात करेंगे तो 5,663 पोस्ट हैं और सामाजिक विज्ञान की लगभग 3,779 और 1,689 पोस्ट हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भैया आपकी महिलाओं और उनकी अलग अलग दी गई है 2813 और 1173 और अंग्रेजी की बात करें तो 3,494 और 1469। संस्कृत में आप देख सकते हैं 1826 और वहीं 599 और उर्दू में बात करें तो आप 1428 और 545। तो ये देख सकते हैं आप, बाकी अदर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। ठीक, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंदर जो वैकेंसीज हैं आप ये देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 210 और 73 वैकेंसीज हैं और वहीं बात करें कक्षा 6 से 10 तक के लिए आपको बताया गया कि लगभग 106 वैकेंसीज हैं। ठीक, तो ये था नोटिफिकेशन में। ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो कुछ वैकेंसीज कम हुई हैं। ठीक, और पीआरटी में कितनी वैकेंसीज हैं और 6 to 8 में कितनी वैकेंसीज हैं और वहीं आपके जो कल्याण विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं, इसका रोस्टर, सारी चीज़ें आपको सामने दी गई हैं। अब आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आपको मैं बता दूँ 48 से 50, कितने 48 से 50 घंटे में कभी भी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पीआरटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका 6 to 8 का रिजल्ट आएगा। बाकी अभी माध्यमिक और ये 25 और 30 को आएंगे रिजल्ट इसके। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।